लॉकडाउन के दौरान आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गुनेह दाखिल कर 1,035 वाहन जब्त और 15,70,870 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। जागतिक आरोग्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से फैल रही बीमारी संसर्गजन्य घोषित की है। कोरोना वायरस का प्रसार भारत में संपूर्ण महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है। चंद्रपुर जिले में इस कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए फौजदारी प्रक्रिया 1973 के कलम 144(1)(3) के मुताबिक जिलाधिकारी चंद्रपुर ने जमावबंदी आदेश निर्गमित किए हैं। सभी और लॉकडाउन रहते नागरिकों ने घर से बाहर न निकले ऐसे आदेश है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर उसी मुताबिक अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण कार्रवाई चंद्रपुर पुलिस कर रही है ताकि सभी और शांतता अबाधित रहे और कोई भी अनुचित प्रकार ना हो। 29 अप्रैल को जमावबंदी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 के मुताबिक 20 गुन्हे दाखिल किए गए हैं। लॉकडाउन के समय में अभी तक कुल 292 केसेस किए गए, कुल 1,035 वाहन जब्त और 15,70,870 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों को आह्वान किया है कि चंद्रपुर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए शासन द्वारा निर्गमित किए संचार बंदी आदेश का पालन नागरिकों ने कड़ाई से कर स्वयं और अन्यों की जान खतरे में न डाले, साथ ही पुलिस को सहकार्य करे। संचार बंदी आदेश का उल्लंघन करने का निदर्शन में आने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जाएगी।